निकालो निकालो। ये देखो दोस्तों, फाइकस बेंजमिना की पोर्ट बन रही है, मतलब सेट हो रहा है। देखो किस तरीके से पौधे सेट होते हैं, तैयार होते हैं। ये ज़मीन के अंदर पौधा है और हम इसे अभी कट्टे के अंदर, ऐसे कट्टे के अंदर बंधवाएंगे ताकि ये दूसरी जगह जा कर के सूखे नहीं। ये देखिए इस तरीके से, बहुत बड़ा वाला ये खुरपा होता है, ये बनवाना पड़ता कमानी का। ये देखिए पौधा, देखिए आप कितना बड़ा है, लगभग 8-9 फीट की हाइट का पौधा है और ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। ईश्वर ने चाहा तो, पैदा इसकी सही निकल गई तो। ये देखिए एक ये निकला हुआ रखा है, ये है देखो देखो ठाकर देखो निकली आई है, खुरपे से भी दम लगाओ ऐसे ही। ये देखिए पूरी पैंत बन गई, अब ये इस कट्टे के अंदर बांध दी जाएगी। ये लो जी हो गया पेड़ सेट। ये डोर पड़ी है सुतली जिसे बोलते हैं, इससे इसको बांध दिया जाएगा ऊपर ताकि इसके अंदर हवा पास ना हो, क्योंकि पौधा जो सूखता है सिर्फ हवा से सूखता है, पौधे को हवा नहीं लगनी चाहिए। कोई भी पेड़ आपके घर पे, पार्क में कहीं भी खड़ा है, उसे सेट करवाना हो या कोई दिक्कत आ रही हो आपके गार्डन में, तो हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नर्सरी से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, पेड़ कैसे सेट होता है, किस तरीके से पार्क बनता है, जो हमारे काम वगैरह चलते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जितने प्लांट्स लगाए जाएं घर के अंदर, खेत में, बाहर पार्क वगैरह में लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इन पौधों से बहुत ही अच्छा वातावरण रहता और हमें ऑक्सीजन की किसी तरह कमी नहीं आएगी। किसी को टेरेस गार्डन बनवाना हो या वर्टिकल गार्डन बनवाना हो, वो भी हम बनाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पौधे हैं, इसकी हैजिंग बहुत खूबसूरत बनती है जो कटिंग होती है बड़े बड़े पौधों की। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।